अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में दिवाली की रात बदमाशों ने जमकर अपनी दिवाली मनाई और दुकानदारों आम व्यक्तियों का दिवाला निकाल दिया। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के खन्ना चौक स्थित स्टेट बैंक के सामने का है, जहां इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में दीवार तोड़कर घुसे बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने जाते जाते दुकान में आग लगा दी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी सुबह हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया है। बताया जाता है कि लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कैसा लगता है? नुकसान हो गया राहुल, काम कर दिया तुझे, मजदूर पकड़ ला यार, किसान से बोल दिए। अरे मिल जाते चालू, मिल जाते, अरे मिल जाते तेरे बबलू भाई, भगवान वहाँ बंदा है, मजदूर आना चालू जाते। प्रशांत तिवारी, कैसे याद रही है? ये चोर घुसे रहे हैं कल रात को, जो जितने घुसे रहे हों तो पैसा चुराए हैं, जो भी चोर चोरी किए हैं और आग लगा के भाग गए हैं, कि कोई सबूत वबूत ना उनको पता चले किसी। कैसे जानकारी मिली आपको? सुबह फ़ोन आया, यहाँ पे जो घूमने टहलने निकले थे उनको धुआं दिखा, तो हम आके खोले तो देखे पूरी दुकान में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाए, फायर ब्रिगेड आए, सब बुझाया, लेकिन पूरी दुकान का माल सब सुहा हो गया। कितना नुकसान हुआ है? लगभग कम से कम 20-25 लाख से कम का नुकसान तो नहीं है। तुझे मजदूर पकड़ ला यार, किसान से बोल दिए। अरे मिल जाते चालू, मिल जाते, अरे मिल जाते तेरे बबलू भाई, भगवान वहाँ बंदा है, मजदूर आना चालू जाते। पूरा दुकान सुहा हुआ, कुछ भी नहीं बचा है। बकायदे आग लगा के गए, वैसे नहीं आग लगी है। त्योहारी सीजन होने के कारण स्टॉक भरपूर था, भरपूर था पूरा। चोर कहाँ से उठे हुए थे? ये पीछे से आग लगी है, देखिए उसके दिख रहा है, दिख रहा है वहाँ पे गड्ढा लगा के, पीछे गड्ढा बना के उसे सामान भी ले गए हैं। है? सामान भी ले गए हैं। हाँ, सामान भी ले गए, पीछे कुछ ऊपर पड़ा हुआ है, पीछे भी पड़ा हुआ है कुछ सामान, पड़े हुए इंडिकेटर वगैरह, चप्पलों पर निशान भी है पीछे छत के ऊपर।